भारत की खूबसूरती, हमारी संस्कृति और सभ्यता की जब भी बात की जाती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी का नाम सबसे पहले सबकी जुबान पर होता है। कश्मीर हमारी भारत माता का मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी भारत माता का चरण। ये शहर तमिलनाडु राज्य की दक्षिण में बसा एक बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। इस जगह को हमारे इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम भी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 1000 किलोमीटर्स पर। कैसे हैं आप सब? भारत के आखिरी छोर पर स्थित कन्याकुमारी समुद्र की नीली परत से घिरा हुआ है, जिसमें जहां तक आपकी नजरें पहुंचती हैं वहां तक ऐसा लगता है कि मानो नीली रेशम की चादरें सिलवटों में सिमटी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कन्याकुमारी की सैर करवाएंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है, वहां पर रुकने और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, वहां पर घूमने के लिए कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और आपकी टूर आइटनरी क्या होनी चाहिए। और बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि एंड में हम आपको इस ट्रिप का जो खर्चा आएगा यानी कि जो बजट होने वाला है वो भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर घंटी का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम या हमारे भारत की और प्लेसेस की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कन्याकुमारी पहुंचना कैसे है। दोस्तों, अगर आप बाई रोड यानी सड़क के माध्यम से आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के ज़्यादातर बड़े शहरों से यहाँ के लिए रेगुलर सीधी बस सेवाएँ चलती हैं, जिसमें कि चेन्नई, मधुरई, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम जैसे अनेकों शहर हैं जहाँ से कन्याकुमारी आने के लिए आपको हर कुछ घंटों पर बस मिल जाएगी। अगर दूरी की बात करें तो आपको रामेश्वरम से ये दूरी 300 किलोमीटर की पड़ती है और वहीं त्रिवेंद्रम से 90 किलोमीटर की। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट कार और टैक्सी का ऑप्शन भी है। यहाँ के हाईवेज और रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। दूसरा ऑप्शन आता है आपका ट्रेन का। यहाँ पर रेलवे स्टेशन मौजूद है और अमूमन आपको भारत के हर हिस्से से यहाँ के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगी। अगर आपको आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप त्रिवेंद्रम या रामेश्वरम आके वहाँ से भी कन्याकुमारी आ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आता है बाई फ्लाइट। दोस्तों, हवाई माध्यम से कन्याकुमारी आने के लिए आपको यहाँ के नज़दीकी एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आना पड़ेगा। यहाँ पहुँचकर आप बस, लोकल ट्रेन या फिर किराए की टैक्सी से आराम से कन्याकुमारी पहुँच सकते हैं। चलिए वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं कि आपको रुकना कहाँ पर है और रहने खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी में आपको बहुत से अच्छे सी फेसिंग होटल और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। समुद्र तट के आसपास वाले होटल आपको अमूमन थोड़े महंगे ज़रूर मिलेंगे, पर इनमें रुकने का अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा आप कन्याकुमारी मंदिर एरिया के आसपास भी होटल्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पर धर्मशालाएं और लॉजेस 500 से 600 रुपए में मिल जाएंगे और बजट होटल्स भी 800-1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो चूंकि आप दक्षिण भारत में हैं तो आपको यहाँ पर अमूमन सी फूड या फिर साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि आपको दूसरी क्रुजीन जैसे कि नॉर्थ इंडियन या फिर चाइनीज कॉन्टिनेंटल भी सर्व करते हैं, पर उनकी संख्या काफ़ी कम है। यहाँ के फेमस डिशेज़ हैं इडली, वड़ा सांभर, राइस, डोसा, उत्थपम, फिश करी। इसके अलावा आपको यहाँ के केले के चिप्स, कोठू और अप्पम भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर एक टाइम के खाने की बात करें तो आप आराम से 80 से 100-150 रुपए में अपना पेट भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कन्याकुमारी का ट्रिप बना रहे हैं तो कम से कम एक रात और 2 दिन का ट्रिप ज़रूर बनाइएगा, जिससे आप यहाँ की सारी प्लेसेस को अच्छे से कवर कर सकें। अगर बात करें यहाँ पर आने के लिए सबसे बेस्ट समय की, तो मैं आपको बता दूँ, चूँकि एक दक्षिण भारत का हिस्से में है तो यहाँ पर साल के ज़्यादातर समय काफ़ी गर्मी और ह्यूमिड मौसम रहता है। इसलिए अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच कन्याकुमारी घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपको काफ़ी शांत और सुखद मौसम मिलता है। चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्याकुमारी और उसके आसपास कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि आपको घूमनी चाहिए। यहाँ की जो सबसे फेमस प्लेस है वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये हमारे भारत के मेन लैंड से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर एक अलग द्वीप पर स्थित है। इसे लाल और नील ग्रेनाइट पत्थरों से 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में बनवाया गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
यहाँ जाने के लिए आपको फेरी यानी कि जो बड़ी बोट्स होती हैं उनको लेकर जाना पड़ता है। अमूमन ये आपको कन्याकुमारी बीच के पास से मिल जाती हैं, जिसका टिकट 50 से 60 रुपए के आसपास का होता है। तो अपने कन्याकुमारी की ट्रिप में आप यहाँ पर सबसे पहले ज़रूर जाइएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल बना हुआ है जहाँ पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कन्याकुमारी माता के चरण पादुका भी मौजूद हैं, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। यही वो प्लेस है जहाँ पर हमारा इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, उन तीनों समुद्रों का संगम होता है। इसके बाद आप इसी फेरी से आगे थिरुवल्लुवार स्टैचू के लिए बढ़ें। ये 133 फीट की स्टैचू बनी हुई है, जो कि भारत की 25वीं सबसे ऊंची स्टैचू है। ये मूर्ति प्रसिद्ध संत और कवि थिरुवल्लुवार की है। इस मूर्ति का निर्माण 500 कारीगरों ने मिलकर करवाया था और इसे सन 2000 में हम सब पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, आप एक ही टिकट लेकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये थिरुवल्लुवार प्रतिमा, दोनों मूर्तियों को देख सकते हैं। इन दोनों प्लेसेस को कवर करने के बाद फेरी आपको वापस कन्याकुमारी बीच के पास ड्रॉप कर देती है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कन्याकुमारी बीच। यहाँ पर आप कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं और यहाँ से सनराइज और सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर एक वॉच टावर भी बना हुआ है, जिस पर चढ़कर आप कुछ बेहतरीन फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ बीच पर जाकर थोड़ा टाइम एंजॉय करने के लिए जरूर रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगली प्लेस पर, जो कि है कन्याकुमारी मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर कन्याकुमारी भगवती अम्मन के नाम से भी जाना जाता है, जिनको कि देवी पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करिएगा। ये मंदिर भी आपको बीच से कुछ ही दूरी पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप इन सभी प्लेसेस को लोकल ऑटो की मदद से आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ही मेन शहर से लगभग एक घंटे की दूरी पर पद्मनाभपुरम पैलेस है। ये एक बेहद ही खूबसूरत महल है। इसको दुनिया के शीर्ष 10 महलों में से गिना जाता है और ये 6 एकड़ में फैला हुआ है। इस महल को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसे पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया है। आपको महल के अंदर पीतल की लालटेन, कृष्ण भगवान की पेंटिंग्स और सरस्वती माता का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस आती है वो है महात्मा गांधी मंडपम। दोस्तों, महात्मा गांधी को समर्पित ये कन्याकुमारी में एक बहुत ही बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहीं पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों को समुद्र में विसर्जित करने से पहले रखा गया था। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो कि है सुनामी स्मारक। दोस्तों, आप सभी को साल 2004 की विनाशकारी भूकंप और सुनामी तो याद ही होगी। तो उसी सुनामी और प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की याद में ये 16 फुट का स्मारक बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आप जरूर जाइएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी आखिरी प्लेस की ओर, जो कि है थिरुपारप्पू फॉल्स। दोस्तों, अगर आप मॉनसून के समय कन्याकुमारी जाते हैं तो इस प्लेस को जरूर विजिट करिएगा। ये 50 फीट ऊंचा एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और पिकनिक भी मना सकते हैं। आपके बच्चों को ये प्लेस बहुत ही पसंद आएगी। तो ये थी कन्याकुमारी और उसके आसपास की सभी टूरिस्ट प्लेसेस, जिनको कि आप 2 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात करते हैं बजट की, यानी कि कन्याकुमारी घूमने में एक व्यक्ति का कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, सभी लोकल प्लेसेस को आप ऑटो लेकर, शेयरिंग टैक्सी लेकर, प्राइवेट टैक्सी लेकर या फिर स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर भी घूम सकते हैं। अगर बात करें ऑटोस की, तो अमूमन आपको ऑटो वाला 500 से 600 रुपए में सारी प्लेसेस घुमा देता है और वहीं टैक्सी का किराया इससे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा हो सकता है। अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो ये आपको 600 से 800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाती है। अगर इस ट्रिप के कुल खर्चे की बात करें, तो खाना पीना, रहना और घूमना मिलाकर एक आदमी आराम से कन्याकुमारी 2 से 2.5 हज़ार में घूम लेगा। अगर आप शेयरिंग टैक्सीज या ऑटोज यूज़ करते हैं और रहने के लिए बजट होटल्स या फिर धर्मशाला लेते हैं, तो आप इससे कम में भी यहाँ आराम से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्याकुमारी का एक कंप्लीट टूर प्लान। हम आशा करते हैं कि इससे आपको घूमने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी बेहतरीन घूमने की जगहों की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर भी कुछ वीडियोज़ आ रही होंगी, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।